एमएजिना रोड पर ट्रैफिक के रश के दौरान लोगों से घिरी ये गाड़ी किसी हादसे का शिकार नहीं हुई, बल्कि यहाँ तो तय हो रहे हैं मामला इस कार की मरम्मत के। अब इससे ट्रैफिक जैम हो या पीछे वालों को तकलीफ, किसी को फिक्र नहीं। रिम्पा प्लाजा के कुर्बो जवार में वर्कशॉप माफिया का कब्जा है। इस माफिया को पुलिस रोक सकी, न इंतजामिया कुछ बिगाड़ सकी। पार्किंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसके लिए अलग से एक कंपाउंड बनना चाहिए, जहाँ भी कोई शॉपिंग मॉल हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो। अगर जरा सख्ती हो और क्या नाम है, पैसे न लिए जाए तो ये 2 मिनट में साफ हो जाएगा। अभी यहाँ से कोई वीआईपी मूवमेंट गुजरे, आप देखिए सब सारे क्लियर हो जाएगा। और जरा ये मंजर देखें, बस ड्राइवर्स किस महारत से कट मार के डिवाइडर्स के दूसरी तरफ जा रहे हैं। हालांकि ये डिवाइडर्स लगाए ही इसलिए गए हैं कि बसें अलग चलती रहें, लेकिन वर्कशॉप माफिया की पार्किंग की वजह से बसों का गुजरना मुहाल हो गया। गैर कानूनी वर्कशॉप में काम करने वालों का कहना है कि उनकी वजह से ट्रैफिक जैम नहीं होता, इसके जिम्मेदार तो रिक्शा ड्राइवर्स और मोटरसाइकिल सवार हैं। हम लोग जब गाड़ियाँ पार्किंग में लगाते हैं तो ये मस्जिद वाले हैं, रस्ते वाले हैं, ये बीच में कुछ गाड़ी पार्किंग में लगा के काम करते हैं हम लोग, ऐसे काम नहीं करते हम लोग। अब जैसे कोई गाड़ी आया है, कोई पार्क लेना है, उसने गाड़ी जो यहाँ खड़ी करी हुई, देखें आप ये गाड़ी खड़ी हुई है, अब उसके लिए दुकान के ऊपर इंतजाम किया जाए, गाड़ियाँ पार्किंग में लगाएं, ट्रैफिक जाम होगा। एमएजिना रोड समेत शहर की बेशतर अहम और मसरूफ सड़कों पर यही मसाइल हैं, तहम इंतजामिया महज दावों तक ही महदूद है। हुकूमत ने शहर में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रखा है, लेकिन उसके असरात अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे। मुतालिका इदारों की गफलत और तजावजात की वजह से शहरी माह मुबारक में भी घंटों ट्रैफिक जैम का अजाब सहने पर मजबूर हैं। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ मोहम्मद मोहसिन, समा, कराची।